डियर फ्रेंड्स, 805N का सोल्यूशन देख रहे हैं और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें आपको इसके आंसर्स दे दिए थे। अगर उस फर्स्ट पार्ट में अगर कोई भी एक भी क्वेश्चन में त्रुटि होगी तो इस पार्ट में उसको सुधार दिया जाएगा। ऐसा जनरली होगा नहीं, अगर होगा तो हम आपको बता देंगे। इसमें है नहीं ऐसा। अगर किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट पार्ट में अगर कोई एक आधा ऑप्शन गलत है तो उस ऑप्शन को सेकंड पार्ट जब बनाया जाएगा तो उसमें ज़रूर उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है, तो फटाफट देख लेते हैं और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा क्योंकि आपका पहले पार्ट में इनके आंसर्स बता चुका हूँ तो आप ध्यान रखना है आपको कि ये ऑलरेडी आंसर आप जानते हैं। तो पहले का आंसर कंट्रोल प्लस सी था, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद में दूसरे का आंसर जो है डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेज संचालन। उसके बाद में तीसरे का ऑप्शन ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है आपका हॉट पोटैटो वाला, तो हॉट पोटैटो का जो है आंसर होगा अक्टूबर 2009 यानी कि 2009। उसके बाद में डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना जो है अगस्त जो है 1995 को की गई थी। यहाँ पर ये आपका इसका भी सोल्यूशन मैंने फर्स्ट पार्ट में दे दिया था, ये सारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे ज्ञान और कौशल लिखवाया था, तो इसमें आपका कौशल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्ञान कौशल दोनों लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट आंसर है, तो ये कौशल यहाँ पे कर लेना आप। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो खालिस्तान में आएगा वो वेस्टर्न अमेरिका आएगा, यहाँ पर बॉस्टन यूएस या अमेरिका लिख सकते हैं। ये एमएस ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करें आगे तो वेबिनार्स या फिर कॉन्फ्रेंसिंग की सेवाएं जो हैं ऑनलाइन सेवाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में फेसबुक जो है कि एक सोशल मीडिया का हिस्सा है, इसके अलावा फेसबुक को कोई यूज़ नहीं करता, सोशल मीडिया के लिए ही यूज़ करते हैं। तीन नंबर से आगे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों मीडियम के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर की कोई दो विशेषताओं की व्याख्या करनी है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी, दोनों होती हैं विशेषताएँ, और इन दोनों विशेषताओं को आपको जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका हिंदी मीडियम के लिए गति और सटीकता एक्यूरेसी के लिए डिस्क्राइब कर दिया था, अगर किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि कैसे डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट पार्ट जिसको पता नहीं है वो फर्स्ट पार्ट देख सकता है, और वहाँ पर जो लिखी गई चीज़ें हैं उसको आपको लिख लेनी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों सेम काम करेगा, बस आपको देख लेना है कि अगर हिंदी में लिखा है तो उसको ट्रांसलेट कर लेना, गूगल ट्रांसलेटर में जा करके आपका इंग्लिश वर्जन बन जाएगा। उसके बाद में चाहे तो आप डायरेक्ट स्पीड आप लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर लिखेंगे आप तो भी आपको गूगल में स्पीड के बारे में और एक्यूरेसी के बारे में अलग अलग मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आंसर जो हो जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पाँचवा जो है ई पोर्टफोलियो के दो कार्य है, तो ये नमूना कार्य छात्र, इस ई पोर्टफोलियो के बहुत सारे डेफिनेशन है, तो आप जो भी फर्स्ट पार्ट में जो बताया गया तो वो भी लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट में जो बताया गया ये भी लिख सकते हैं, जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो वो चीज़ आपको करनी है। कार्य छात्र प्रदर्शनों का, कलाकृतियों का एवं उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो है, और छात्र के सीखने की प्रगति उपलब्धि जो है उसको एक जगह जो है वो रखते हैं, वही एक सबूत है, यानी कि इट्स पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल स्टूडेंट वर्क डेमोन्स्ट्रेशन आर्टिफैक्ट्स एंड शोकेस स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस अचीवमेंट एंड एविडेंस ऑफ द व्हाट स्टूडेंट कैन डू, ठीक है, ये सब चीज़ें हम उसमें रखते हैं। उसके बाद में आते हैं छठे क्वेश्चन पे, परीक्षण निर्माण के लिए दो वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर को परिभाषित करना है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया है इसके आंसर, यहाँ पर भी आंसर लिखा है, तो यहाँ पर जो आंसर है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप वो लिखे ये लिखे दोनों ही आंसर आपके सही हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा आपके बुक से या फिर गूगल से इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है आपको। सातवां क्वेश्चन जो है इसमें भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर लिखिए, तो भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट और सॉफ्टवेयर मैंने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर केवल मैंने आपको हिंट दिया है। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो मेंडलीफ आवर्त सारणी के समूहों की दो विशेषताएं आपको लिखनी है, तो इसमें आपको यहाँ पर दो है, एक तो मेंडलीफ आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों और आवर्त सारणी में 36 पंक्ति क्रमशः समूह और अवधि के रूप में नामांकित किया गया था, और आवर्त सारणी 7 क्षैतिज पंक्ति और आवर्त से बनी होती थी, इसे 1 से 7 के बीच में गिना जाता था, और मेंडलीव ने ऐसी जगह भी छोड़ी थी कि जो फ्यूचर में जब भी आप एलिमेंट कोई डिस्कवर करोगे तो वो उसी टेबल में उसी जगह पे आएगी जहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है, और मेंडलीव की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आज भी उनको इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने जो जगह टेबल में छोड़ी थी, मान लो 27वां कॉलम छोड़ दिया था, 27वां डिब्बा छोड़ दिया था,
तो उसके बाद में 2 साल बाद या 5 साल बाद में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो मेंडलीव ने यह भी कहा था कि आप जब भी कोई चीज़ नया ढूंढोगे तो वो 27वें नंबर पे ही आएगा, और वो बहुत बड़ी बात थी और वाकई में वो साबित हुई। उन्होंने जो डब्बे छोड़े थे उसी में वो चीज़ें आई, ये नहीं कि किसी चीज़ को आगे पीछे करके उसको एडजस्ट करना पड़ा, बहुत खासियत थी उनकी। उसके बाद में आते हैं हम, इसका इंग्लिश वर्जन जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसके नीचे दिया गया है। 9वां क्वेश्चन जो है, मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उद्देश्य जो है आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर आपको यानी कि ओपन एजुकेशन पे रिसोर्सेज जो है आपको बताने हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हिंदी मीडियम के लिए और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है, यहाँ से 9 नंबर से क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं दिए थे, 9 नंबर से लेकर के यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे रहा हूँ। 9 नंबर के बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन था, एजुसेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या करनी है, तो आप एजुसेट के प्रमुख कार्य अगर आपको कम लगता है आंसर तो आप और भी इसमें लिख सकते हैं, अपनी बुक को प्रीफर कर सकते हैं या नेट से भी प्रीफर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कंटेंट मिल जाएंगे उनको भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड आपका वो विषय है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है ये एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, और इसके कंप्यूटर बेस्ड के जो हैं बहुत सारे बहुत ज़्यादा मतलब विकसित है कंप्यूटर में, और हर चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको केवल आइडिया मिल जाए कि आपको देखना क्या है, तो जैसे मैंने लिखा है इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। अगर कंटेंट कम लगता है तो आप कंटेंट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, MOCC को जो है आपको इसके उद्देश्यों की व्याख्या करनी है, तो इसके उद्देश्य की व्याख्या अगर आपको कम लगता है इसका आंसर तो और अभी आप लिख सकते हैं और भी बढ़िया से। अगर ये 2-3 नंबर का आंसर है तो बहुत है इतना, अगर इस ये ज़्यादा बड़े नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर से ज़्यादा का है, तो आपको और 2-3 लाइनें इसमें ऐड कर लेनी है। 12वां क्वेश्चन है, सूचना संप्रेषण तकनीक आधारित आकलन मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या करनी है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, तो इसमें आपके आ जाता है वुड विजेट्स आ जाता है, जिसमें आपका क्लासिक आ जाता है और क्लास मेकर आ जाता है और क्लास टूल्स आ जाते हैं, ये सारे चीज़ें आप लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, और इनको और ज़्यादा डिस्क्राइब अगर आप करना चाहते हैं, आपको संतुष्टि नहीं होती है कि नहीं ये थोड़ा सा कम रह गया, तो आप और भी इसको गूगल पे कर सकते हैं देख करके। उसके बाद में आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य जो है आपको लिखने हैं, तो कार्यशाला प्रविधि के जो जो टेक्निक्स हैं वो आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 टेक्निक्स आपको प्रोवाइड किए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 14वां क्वेश्चन, इसका और पार्ट जो है हमने कर दिया है, और पार्ट में क्या है, इसमें कंप्यूटर शिक्षा जो है वो कंप्यूटर की जो भूमिका है वो शिक्षा में क्या है वो बतानी है, तो शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका क्या क्या हो सकती है, तो कंप्यूटर के शिक्षण में एक शानदार सहायक है, कंप्यूटर में दुरुस्त शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सूचना के बेहतर प्रस्तुतिकरण में मदद करता है, कंप्यूटर इंटरनेट तक पहुंचने को सक्षम बनाता है, और वस्तुतः सब कुछ जानकारी कंप्यूटर हाई ड्राइव और स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा डाटा स्टोरेज है जो शानदार तरीका है। इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसमें केवल मैंने आपको एक हिंट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही लिखें, और भी आप इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इतना कंटेंट है कि मैं लिख नहीं पाऊँगा, बहुत सारा कंटेंट है, तो उसमें आपसे जो सही लगता है वो आप इसमें लिख लेना। मैं आपको केवल आपको जो है पूरे के पूरे जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए एक हिंट भी दे रहा हूँ और साथ साथ में आंसर्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। 15वें का और ऑप्शन किया है, शैक्षिक क्रियाकलापों में ई कंटेंट के उपयोग को आपको लिखना है, जिसमें आपका वेब बेस्ड लर्निंग हो जाता है, जिसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो जाता है, जिसको दोनों के लिए डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद में मोबाइल बेस्ड लर्निंग जो है उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल बेस्ड लर्निंग है, उसका भी इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों दिया गया है। और उसके बाद में वर्चुअल क्लासरूम्स है, वो भी एक जो है कंटेंट है ई लर्निंग का, तो यहाँ पर ये आपका वर्चुअल क्लासरूम को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हुआ, और इसके जो क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर है पेपर के साथ में नीचे की तरफ, जिनके हमने अभी आंसर देखे 6 से लेकर 8 तक आप देख रहे हैं, और ये 9 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, जिसके आंसर्स हमने ऊपर देखे। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं 11 नंबर, और फिर उसके बाद में 12 नंबर ये क्वेश्चन है, और इसके बाद में आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका 14 नंबर क्वेश्चन ये था, और 15 नंबर का जो आंसर अभी आपने देखा उसका और पार्ट हमने किया था, ये रहा शैक्षिक क्रियाकलापों में ई कंटेंट के उपयोग। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन है, कुछ मैंने हिंट भी दिए हैं ताकि आप
उस हिंट के थ्रू उसके जो और भी कंटेंट है वो लिख सके। जैसे कि आपको स्पीड डिफाइन करना है तो कंप्यूटर स्पीड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। इस तरह से आप उनको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जितने भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अपलोड करने की पूरी कोशिश रहेगी। जैसे हमने आपके लगभग 5-6 विषय के कम्प्लीट सोल्यूशन बना दिए हैं, उनको आप देख करके आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, उससे थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। और जो भी सेकंड पार्ट बनाया जाएगा उसमें कोई भी आपका फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक होगी एक किसी भी एक वीक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए सेकंड पार्ट को एक बार एक नज़र ज़रूर मार लें। ये नहीं ज़रूरी है कि आप उसको कंप्लीट देखें। तो ये इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वो उसको आप सही समय पर सही कर सकते हैं। तो आपको और भी सब्जेक्ट के अगर सॉल्यूशंस देखने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके MBDLD VST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो चैनल के नाम पे आइकन पे क्लिक करके डायरेक्ट चैनल को खोलेंगे तो भी आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, जिसमें आपके जिसमें भी फुल सॉल्यूशन या पूरे उत्तर लिखे होंगे उसमें फुल सॉल्यूशन मिलेगा, और जिसमें आपके उत्तर लिखे होंगे उसमें आपको जो है 2 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और बाकी के सॉल्यूशंस बन रहे हैं, और समय रहते अगर समय हमें ज़्यादा मिला तो हम आपको पूरा अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।